देश के किसानों की आमदनी और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पहले प्याज, आलू और चना का सही दाम ना मिलने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं अब इस लिस्ट में मूंगफली की फसल भी शामिल हो गई है। पिछले दो साल में अच्छा मॉनसून रहने से इस साल मूंगफली की अच्छी पैदावार हुई थी, जिसके चलते किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें फसल की अच्छी कीमत भी मिलेगी, लेकिन हालात इसके उलट हैं। मूंगफली की फसल सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 900 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मंडियों में मूंगफली के दाम जमीन पर आ गिरे। अब व्यापारी किसानों से मूंगफली 400 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर खरीद रहे हैं और किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। मंडियों में मूंगफली की गिरती कीमत पर हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया और कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने मूंगफली के दाम गिरा दिए। आपको बता दें कि मूंगफली की खेती रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में की जाती है। देश में मूंगफली की खेती सबसे ज्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में की जाती है। सही दाम ना मिल पाने की वजह से कई किसानों ने मूंगफली की खेती करना भी छोड़ दिया है। इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के खरीफ सर्वे 2017 के मुताबिक देश में मूंगफली की बुवाई का क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 11.8% कम हुआ है। साल 2016 में पूरे देश में 47 लाख हेक्टेयर में मूंगफली की बुवाई हुई थी, जबकि इस साल केवल 41 लाख हेक्टेयर में हुई है। एक तरफ मूंगफली किसानों को सही दाम ना मिल पाने की वजह से किसान फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों से कम दाम में खरीदी हुई मूंगफली व्यापारी विदेश में अच्छे खासे दाम पर निर्यात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APEDA के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में देश से 7 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा की मूंगफली निर्यात की गई, जिसकी कीमत 5,456 करोड़ रुपए है। लेकिन इन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। गुजरात का भारतीय किसान संघ 5 लाख किसानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में इस देश के किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनका उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन कमाई कम हो रही है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।